Thank you so much, sir, for this moving speech. Thank you, Mumbai Press Club, कि आपने हमें यहाँ बुलाया to celebrate your work, to celebrate your pictures. मैं सच कहूँ तो जब मैं जवान था तो मेरा मीडिया और पेपराजी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा था. उस टाइम कुछ अकल नहीं थी तो ऐसा ही लगता था कि इन लोग मेरे दुश्मन हैं और मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मुझे एक्सपोज कर रहे हैं. बट जैसे अभी बड़ा हुआ हूँ, जैसे और एज हुई है, तो समझ में आया है कि जैसे मेरा काम है एक्टिंग, आपका काम है फोटोज लेना. एंड जैसे सर भी कह रहे थे कि इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और ये हमेशा जारी रहना चाहिए. आई थिंक ओवर द ईयर्स, अभी 15 साल हो गए, वी मेड सो मेनी फ्रेंड्स यू नो हु वर्क अराउंड द क्लॉक फॉर द एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म इंडस्ट्री. And we just want to thank you for all the work that you all have done. We want to thank you for all the support कि आप हमारी फिल्मों को देते हो, हमारे promotions और marketing के time पे आप हमें देते हो. So उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप सबका. And we're just happy. We're happy here to celebrate you and keep going and we love you lots. Thank you. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस हियर. जब हमें ये इन्विटेशन दिया गया कि आप प्लीज़ आके ये कैलेंडर लॉन्च कीजिए, आई थिंक वो एक मोमेंट था जब हम एक्चुअली काफ़ी पर्सनल बातें कर रहे थे, आपके साथ कन्फाइड कर रहे थे और एक्चुअली हम दोनों काफ़ी इमोशनल हो गए उस वक्त, क्योंकि इट फेल्ट वेरी दैट वी आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. जिस तरह आपने रिस्पॉन्ड किया हमारे विशेज के साथ, हमें ऐसा लगा कि या एक कैट एंड माउस गेम होता है ना, हम लोग एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आप लोग पीछे पीछे चल रहे हो, कोई गिर रहा है, कोई ये हो रहा है, ऐसे काफी ग्लैमरस लगता है बट बहुत हार्ड वर्क है. एंड आई हैव आल्सो सीन दैट. मैंने काफी टाइम देखा है आप लोग बारिश में घूमते हो, 4-5-6 बज जाते हैं, सोते नहीं हो ठीक से, एंड वी ऑल्सो फील बैड. और अभी टाइम के साथ जैसे रणबीर ने कहा, समझ में आ गया है कि इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, डिमांड सप्लाई पे होता है. तो हम कभी इरिटेट हो जाते कि हमारा लुक हो लीक हो गया, पर लोग कंज्यूम कर रहे तो लुक तो लीक मतलब करना नहीं चाहिए पर हो जाता है वैसे. बट उस दिन जिस तरह आपने रिस्पॉन्ड किया, वी रियली फेल्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल. और मैं ये इस मंच पर ये कहना चाहती हूँ थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि ऐसे जेन्यूनली लगा कि हम एक परिवार है और एक फैमिली है. तो परिवार को हम आज सपोर्ट करने आए हैं और मैं कुछ शब्द इन पिक्चर्स के बारे में कहना चाहूंगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली टू ऑल द विनर्स. पर रणबीर ने एक्चुअली मुझे सिखाया, पहले तो छुपा रुस्तम बहुत अच्छे फोटोग्राफर यहाँ है, हाँ इंस्टाग्राम पे है नहीं ये, पर द बेस्ट पिक्चर्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ एनीबडी टेक इज रणबीर. क्योंकि वो रणबीर हमेशा कहते हैं कि फॉर यू टू टेक अ गुड पिक्चर यू नीड टू लव the object more than you love yourself. So that's why he keeps telling me I can't take good pictures because in a joke. But I can see in the calendar it's more the moment that is being clicked is way higher than the person taking the moment, and that's what creates a beautiful picture. So congratulations to all the people who have been chosen. And generally jo फोटोज हम ऊपर आते हुए भी देख रहे थे, काफी मोमेंट्स है विच वी विल नॉट सी बट एक्चुअली द फोटोग्राफर हैज सीन. तो थैंक यू फॉर कैप्चरिंग दैट मोमेंट विद अ लॉट ऑफ लव. सो दैट हैज बीन लाइक, ये हमारा कैलेंडर था, ये आपका कैलेंडर है, बट थैंक यू फॉर लिटरली कैप्चरिंग आवर लाइफ ओवर ऑल दीज इयर्स. थैंक यू. अरे तेरा दो दो फोन लेके करेगा तो कैसा होगा? Why do you always make me sing every time? बेटा गाना गाओ. They've heard me sing. कौन सा गाना गाऊं आपके लिए? आपका फेवरेट. समझावा. केसरिया. 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 ठीक है, ये आपके लिए दे. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है क्या लिरिक्स खाली तिजोरिया खाली तिजोरिया
काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। Yeah. Thank you.